39 टीवी में आपका स्वागत है। हर खबर पर पहली नजर। राजस्थान ब्यूरो चीफ दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा, कोरोना काल में संकट से जूझ रहे निजी बस मालिकों ने सरकार से सहयोग नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर 22 जुलाई को प्रदेशव्यापी चक्काजाम की घोषणा की है। इसके तहत 22 जुलाई को कोटा सहित पूरे राजस्थान में निजी बसें बंद रहेंगी। फिर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन बंद रखा जाएगा। बंद में लोक परिवहन बसें, स्लीपर बस, स्कूल बस, फैक्ट्री बस व स्टेज कैरिज बसें भी बंद रहेंगी। बसाना एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश महासचिव व बस मालिक संघ कोटा के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में व्यवसाय ठप होने के कारण एक वर्ष का टैक्स माफ करने, बिना शर्त गाड़ियां सरेंडर करने और सीएनजी किट लगाने के लिए बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराने की मांग है। अपनी मांगों के समर्थन में पूरे राजस्थान में एक दिवसीय चक्का जाम रहेगा, जिसमें पूरे राजस्थान में लगभग 29,000 बसें बंद रहेंगी। मांगों को लेकर पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। यदि सरकार निजी बस मालिकों की मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकाल के लिए बसें बंद कर दी जाएंगी। हमारे संवाददाता से सत्यनारायण साहू, प्रदेश महासचिव बस आना एसोसिएशन राजस्थान ने बात की। राजस्थान सरकार से हमारी 4 मांगे हैं। एक वर्ष टैक्स माफ करने की, दूसरा बिना शर्त गाड़ियां सरेंडर कराने की, तीसरा सीएनजी किट लगाने के लिए 3 लाख रुपए का बिना ब्याज के लोन की। इस तरह से हमारी 4 मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के हमने पहले ज्ञापन दे चुके हैं। अब जो है सरकार द्वारा ये मांगे मंजूर नहीं की गई है, इसलिए प्रदेश लेवल पे हमारा जो है आंदोलन शुरू हो रहा है। इसमें जो है पूरे प्रदेश में, राजस्थान में प्राइवेट बसें जितनी भी है, स्टेज कैरिज, कॉन्टैक्ट कैरिज, लोक परिवहन, स्लीपर कोच, तमाम गाड़ियां जो है पूरे राजस्थान की बंद रहेगी और एक दिवसीय हमारा जो है चक्का जाम रहेगा, सांकेतिक हड़ताल रहेगी। इसके लिए हमने जो है सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये काम किया है। और फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है और हमारे से वार्ता करके निपटारा नहीं करती है, टैक्स माफ़ी नहीं देती है, तो हम अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम करेंगे। कितनी तारीख को होगा? 22 जुलाई को सुबह 6 बजे से चालू होगा, जो रात के 11 बजे तक कोई भी बस नहीं चल पाएगी। हाड़ौती बंद रहेगी पूरे राजस्थान में? हाँ, कोटा में पूरा हाड़ौती बंद रहेगी। जो अन्य राज्य से भी बसें आ रही है वो भी नहीं जाएगी वापस। आएगी तो सही सुबह, क्योंकि आने वाले को तो बॉर्डर पर रोकना उचित नहीं होगा, लेकिन जाने वाली नहीं जाएगी। फैक्ट्री की, स्कूल की सब गाड़ियाँ जो है हम बंद रखेंगे और ध्यान आकर्षण कराएंगे सरकार का। लगभग कोटा में 750 बसें हैं और हाड़ौती की बात करें तो लगभग जो है हमारी 1400 बसें हैं और 450 मिनी बसें हैं शहर की। ये अध्यक्ष महोदय, मिनी बस एसोसिएशन ने हमें समर्थन दिया है, स्लीपर कोच के अध्यक्ष हैं जो इन्होंने समर्थन दिया है, और कल जयपुर में जो हमारी प्रेस वार्ता में 42 यूनियन वालों ने हमें समर्थन प्राप्त किया है और सब ने समर्थन दिया है। टोटल जयपुर के अंदर कॉमर्शियल वाहन बंद रहेगी 22 जुलाई को। इसके लिए हमने जनता से आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि 22 जुलाई को कहीं आने जाने का काम हो तो एक दिन पहले कर ले या एक दिन बाद रखे, ताकि जनता को परेशानी ना हो।